कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे सब अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलो तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट होती क्या है। राइट, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? अब आपके जो ये सभी टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं, राइट, पब्लिक डिपॉजिट हमने कर लिया, एट्थ लेक्चर हमारा यहाँ पे ये बना था राइट शेयर क्या होते हैं। आज हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होते हैं, ये सभी सोर्सेज है, हम क्या बात कर रहे हैं, पैसे को कंपनी कैसे कैसे अरेंज कर सकती है, उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। राइट, ओके जी। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, ये मोस्ट ऑफ आपकी प्राइवेट कंपनीज करती है, ध्यान से सुना इस बात को, ये जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, वो बाहर इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं, वो क्या करती है, कुछ एक सिलेक्टेड ग्रुप होते हैं ना, उनको सिलेक्ट कर लेती है और उनको इनवाइट करती है और इवन उनको इंफॉर्मेशन देती है कि आप पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, आपको हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट देने वाले हैं। राइट, अब देखो यहाँ पे पब्लिकली नहीं हो रहा, प्राइवेटली हो रहा, यहाँ नाम ही प्राइवेट बोला है इन्होंने, जो प्लेसमेंट हो रही है शेयर्स की, शेयर्स के अंदर जो होल्ड करने वाले जो पर्सन है उनके लिए, उनके बीच में और कंपनी के बीच में प्राइवेटली कन्वर्सेशन होने वाली है, प्राइवेटली नेगोशिएशन होने वाली है। नेगोशिएशन किसी के ऊपर भी हो सकती है, बातचीत किसी चीज के ऊपर भी हो सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के ऊपर हो सकती है, जैसे कि अमाउंट लेने के ऊपर हो सकती है, किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। तो यहाँ पर यही बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो सेलिंग की जाती है शेयर्स की, वो एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को की जाती है। क्लियर? सच, जो कि कौन कौन हो सकते हैं ध्यान रखना, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेल्थी इंडिविजुअल हो सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म हो सकती है। ओके, अच्छा, इस तरीके को अपनाने का काफी सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपको यहाँ पर ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जैसे कि पब्लिकली इशू करने के लिए आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपको प्रोस्पेक्टिव इशू करना पड़ता है, मैं जो आपके चार्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम हो गए, आर्टिकल हो गए, इन सबको इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, इस तरह की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेटली इशू कर रहे हैं, कंपनी के उन पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनको कंपनी के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, सो दैट्स अ रीजन कि यहाँ पर आपको लेस रेगुलेशन की जरूरत होती है। इज इट क्लियर? एज कम्पेयर टू देयर इज अ पब्लिक इशू, समझ में आ गया? यहाँ पर आपकी नेगोशिएशंस इन्वॉल्वमेंट होती है, मीन्स की बातचीत करते हैं, एग्रीमेंट के अंदर कुछ ना कुछ आप चेंज कर सकते हैं, टेलर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार बातें हैं, हर टॉपिक में चार बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, ध्यान रखनी होगी। पहली बात तो यहाँ पे एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि कौन कौन है ये याद रखना है। यहाँ पर लेस फॉर्मेलिटीज होती है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं डालनी होगी, ये तीसरा पॉइंट हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। राइट, और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है, यहाँ पे नेगोशिएशंस होते हैं, मींस की बातचीत होती है, अगर एग्रीमेंट में आप टेलर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं, दैट्स इट। और ये जल्दी प्रोसेस है, क्विकर प्रोसेस है, जिसे मैं कह सकती हूँ लेस फॉर्मेलिटीज रिक्वायरमेंट, ये होता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। उम्मीद करेंगे ये प्राइवेट प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपको ये बातें हैं वो समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आज की हमारी 9th लेक्चर हो गया है इस चैप्टर के ऊपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स द रीजन मैं इस चैप्टर को ज्यादा पॉइंट्स में, ज्यादा पार्ट्स में समझाती जा रही हूँ। ठीक है, ये शेयर वारंट का टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, 10th लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन लास्ट हमारा वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटल क्या होती है। ओके,